हेलो दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से एक आई फ्रेम जनरेटर टूल क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जो किसी भी वेबसाइट का आई फ्रेम जनरेट करती है। यहाँ पर यूज़र वेबसाइट का यूआरएल डालता है और उसके बाद जनरेट के बटन पर क्लिक करता है, तो जिस भी वेबसाइट का यूआरएल डालेगा उस वेबसाइट का आई फ्रेम यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो आपने देखा है कितनी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। आज मैं आपको बिल्कुल इसी तरह का टूल क्रिएट करना सिखाऊंगा HTML जावास्क्रिप्ट की मदद से, जिससे आप अपने लिए इस तरह का टूल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना नोटपैड एडिटर ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर बॉडी टैग बना लीजिए और बॉडी टैग को क्लोज कर लीजिए। अब हम बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे। अब मुझे यहाँ पे दो इनपुट फील्ड और क्रिएट करती हैं हाइट और विड्थ के लिए, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करके आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाला इसे हाइट कर देता हूँ और जो मेरा थर्ड वाला है इसे मैं विड्थ कर देता हूँ। और जो मैं इसकी आईडी है मैं इसे आईडी चेंज कर देता हूँ। मैं इसकी आईडी यहाँ पे हाइट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी आईडी यहाँ पे इसे विड्थ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आई फ्रेम जनरेट हो जाएगा जो भी URL इनपुट फील्ड में हम एंटर करेंगे। अब मैं आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ कि किस तरह से डिस्प्ले होगा। तो आप देख रहे हो कि URL हाइट विड्थ तीन इनपुट फील्ड और बटन क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं इसके बीच में से BR टैग लगाता हूँ जिससे ये सब सारी इनपुट फील्ड अलग अलग लाइन में हमें डिस्प्ले होगी। इनके बीच में थोड़ा ब्रेक आ जाएगा। सबसे ऊपर मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ H1 टैग का यूज़ करके और इसमें लिख देता हूँ आई फ्रेम जनरेटर। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो कि देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तीन इनपुट फील्ड और एक बटन क्रिएट हो चुका है। तो चलिए वो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है हम उसे लिखना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ बॉडी टैग के बाहर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करते हैं और नीचे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया स्क्रिप्ट टैग, अब मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। हाँ, अब जो हमारा स्क्रिप्ट है इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ URL नाम से, आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। यहाँ पे मैं इसकी आईडी देता हूँ #url डॉट वैल्यू। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ हाइट नाम से, HEIG हाइट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। #height डॉट वैल्यू। अब मैं यहाँ पे एक अलग वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ विड्थ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर #width डॉट वैल्यू। अब मैं यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ const, इसका नाम मैं मार्कअप देता हूँ, आप कुछ भी नाम इसका दे सकते हो, इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं बैकटिक स्टार्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ नीचे बैकटिक क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद सेमी कॉलम देता हूँ। अब जो मेरा बैकटिक के अंदर ही मुझे यहाँ पर कोड एंटर करना है जो आई फ्रेम जनरेट करेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे
ये आई फ्रेम जनरेट हुआ है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे खुद से एक कोड बनाया है, आप भी इस तरह का कोड बना सकते हो। जैसे इसमें मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और आपको इसमें कोड में बताता हूँ कि किस तरह से, जैसे मैंने आई फ्रेम जनरेट किया है किसी भी टूल की मदद से आप कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आई फ्रेम सोर्स https://www.google.com। हम यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे और हम यहाँ से जो हमने वेरिएबल पास बनाया है, URL वेरिएबल बनाया है, अब जो भी यूज़र आएगा URL इनपुट फील्ड में वैल्यू एंटर करेगा, वो यहाँ से पास होगी और वो यहाँ पर हमें आ जाएगी। और जो हाइट और विड्थ है, हम यहाँ पे भी टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर, हम यहाँ पे हाइट लिख देते हैं और इसे क्लोज करते हैं। और जो हमारी विड्थ है, हम यहाँ पे विड्थ का लिख देते हैं, हम यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं। अब होगा ये कि सारा कोड सेम रहेगा जब भी जनरेट होगा, बस जो URL होगा और हाइट होगा विड्थ होगा ये हर बार डायनेमिकली चेंज होती जाएगी। अब हमें इसे डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो हमें यहाँ पे नीचे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रिजल्ट, हमें इसे हैश लिखना है साथ में, हैश रिजल्ट, क्योंकि हम जब भी क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करते हैं और हमें किसी कोई भी आईडी लिखनी हो तो हमें उससे पहले हैश लिखना पड़ता है, डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू मार्कअप, जो हमने यहाँ ऊपर मार्कअप वेरिएबल क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पे एक ड्यू क्रिएट करेंगे, इसकी आईडी हम यहाँ पे रिजल्ट देंगे, जो हमने यहाँ पे नीचे रिजल्ट आईडी दी है, और वो हम इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब जैसे मैं आपको इसे रिफ्रेश करके बताता हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये मेरे पास यहाँ पर आई फ्रेम नीचे यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पे बटन पे भी क्लिक नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका कारण ये है कि हमारा जो कोड है वो भी विदाउट फंक्शन है, तो हम यहाँ पे अपने सारे कोड को एक फंक्शन के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि अभी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोड जनरेट हो रहा है, हमने बटन पे क्लिक भी नहीं किया। तो इसके लिए हम सिंपली ये करेंगे, हमने जितना भी कोड लिखा है स्क्रिप्ट के अंदर, हम इसे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसे फंक्शन के अंदर ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट की और बिल्कुल सबसे नीचे इस ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं, और जो हमारा बटन है वहाँ पर हम ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं, तभी ये हमारा जो फंक्शन है ये यहाँ पे ये वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक लगाया इक्वल टू लो, अब जब भी हम क्रिएट आई फ्रेम के बटन पर क्लिक करेंगे तभी ये हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ये वर्क करेगा। तो आपने देखा कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे कोई भी URL एंटर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.gajibweb.com, और अब यहाँ पे मैं कुछ हाइट देता हूँ, फिर अब यहाँ पे मैं कुछ वेट देता हूँ, अब क्रिएट के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि मेरा आई फ्रेम डॉट सोर्स इक्वल टू www.gajibweb.com चेंज हो चुका है, और जो मैंने हाइट यहाँ पे ऊपर 200 दी थी और वेट जो 500 दी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो आपने देखा कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि जो ये वाला आई फ्रेम जनरेटर टूल की वेबसाइट है, इनका जो कोड है ये एक टेक्स्ट एरिया के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, तो हम भी अपने कोड को टेक्स्ट एरिया के अंदर डिस्प्ले करेंगे। तो हम सिंपली ये करेंगे, तो हमने यहाँ पे ड्यू आईडी जिसकी हमने ड्यू के अंदर रिजल्ट शो किया है, हम इसे ड्यू की जगह यहाँ पे इसे एक टेक्स्ट एरिया में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसे यहाँ टेक्स्ट एरिया लिख देंगे, हम इसकी हाइट और विड्थ दे देंगे। तो हम इसके लिए हाइट और विड्थ देने के लिए हमें टेक्स्ट एरिया में रोस लिखना पड़ता है, रोस 5 pixels देते हैं, और कोल्स हम इसकी 43 pixels देते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद जैसे मैं इसे यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि अभी ये परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, मुझे टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पे ड्यू और बॉडी के टैग आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने जो मेरा टेक्स्ट एरिया मैंने इसे बंद नहीं किया है। क्योंकि आप जानते हो कि जो भी हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, हम अगर कोई भी टेक्स्ट एरिया बनाते हैं तो हमें इसे क्लोज़ भी करना पड़ता है। तो अब मैं इसे क्लोज़ कर लेता हूँ डॉट टेक्स्ट एरिया, मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। अब आप देखना कि ये परफेक्टली वर्क करेगा। अब मैं इसे आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी URL एंटर करता हूँ, https://www.india.com,
आप कोई भी URL एंटर कर सकते हो, जैसे मैंने इसकी हाइट 25 दे दी और विड्थ मैंने इसकी 7 दी, अब क्रिएट कंट्रोल क्लिक किया तो आप देखोगे इसके परफेक्टली ये क्रिएट कर रहा है और www.india.com और इसकी हाइट 25 और विड्थ 67 डिस्प्ले हो रही है। तो आपने देखा कि हमारा जो आई फ्रेम जनरेटर है ये परफेक्टली फंक्शन कर रहा है। अब हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि कितना ईजी है इस तरीके का टूल क्रिएट करना। अब मैं यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ कर देता हूँ क्योंकि फिर ये अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो गए और देखने में थोड़े अच्छे लगे। तो आप देख रहे हो कि अब ये अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो रहे, देखने में थोड़े अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अब मैं इसे CSS का यूज़ करके इसे थोड़ा सा स्टाइलिश बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉडी हेड टैग के अंदर में यहाँ पर स्टाइल टैग क्रिएट कर लेता हूँ और स्टाइल टैग को क्लोज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बॉडी लिखता हूँ और मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लैक और जो इसमें टेक्स्ट कलर होगा उसे मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ वाइट। मैं इसे आपको ब्राउज़र में रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी URL एंटर करता हूँ www.yahoo.com, इसकी कुछ हाइट दे देता हूँ और कुछ फिट देता हूँ और आपने देखा कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। इमेज सोर्स www.yahoo.com, उसकी हाइट फिट सब परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने कितने इजीली एक आई फ्रेम जनरेटर टूल क्रिएट कर लिया अपना जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी पेज मेकर टूल, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो को देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हो। जैसे मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.pk.com, यहाँ कुछ हाइट देता हूँ और कुछ विड्थ देता हूँ और क्रिएट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए ये www.pk.com और जो नीचे इसकी हाइट है और विड्थ है जो मैंने दी थी है परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। मैं आपको बूटस्ट्रैप का यूज़ करके इसे थोड़ा और स्टाइलिश बना देता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरीके से बूटस्ट्रैप का यूज़ करके अपने किसी भी टूल या वेबसाइट को स्टाइलिश बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले google.com ओपन कर लेना है। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, उतनी देर में आपको ये समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने सिंपल सा यहाँ पे तीन इनपुट फील्ड बनाई और एक बटन क्रिएट किया और उस बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया और साथ में एक टेक्स्ट एरिया बनाया जिसके अंदर हमारा जो आई फ्रेम का कोड है वो जनरेट होगा। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, इसमें तीन वेरिएबल क्रिएट किए और एक कॉन्स्ट मार्कअप नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये आई फ्रेम का जो कोड है ये लिखा है और इसके अंदर मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करके इसे यहाँ नीचे प्रिंट करवा दिया है। तो आप समझ चुके होंगे कितना इजी है। चलिए अब मैं आपको गूगल पे बताता हूँ। अब हम गूगल में यहाँ पे सर्च करेंगे, मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है, मैं इसे थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ W3 School Bootstrap Forms, इसे सर्च कर लेता हूँ गूगल में और आपको आपके पास जो सबसे पहले वेबसाइट खुलेगी आप इसे पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ नीचे एग्जांपल एक मिलेगा, इसमें आपको ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करना है।
अब आपको यहाँ से लाइब्रेरी ले लेनी है, आपको यहाँ पे हेड टैग के अंदर जितना भी कोड होगा आपको उसे ले लेना। यहाँ से आपको जो आपकी बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी होगी उसका CDN लिंक मिल जाएगा। इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको अपने कोड में सबसे लास्ट में से पेस्ट कर देना है। और अब आप देख रहे हो कि जो इन्होंने इनपुट फील्ड है फॉर्म के अंदर, इन्होंने जो इनपुट फील्ड क्रिएट की है, इन्होंने इनपुट फील्ड में जो जिस क्लास का यूज़ किया, आप इस क्लास को यहाँ से कॉपी कीजिए, क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, और आपके जो कोड में आपने इनपुट फील्ड बनाई है वहाँ पर इस क्लास को पेस्ट कर दीजिए। मैं इसे सारे इनपुट फील्ड में पेस्ट करता हूँ, क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। अब इस कोड को सेव करता हूँ और इसे ब्राउज़र में आपको रन करके बताता हूँ कि किस तरह से डिस्प्ले होगा। तो आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो देखा आपने कितना स्टाइलिश हो गया बूटस्ट्रैप का। हमने सिंपल सी हमने यहाँ पे लाइब्रेरी का कोड ऐड किया और क्लास लिखी कि कौन सी क्लास इनपुट फील्ड में यूज़ हुई है। उसके बाद देखो आप कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है और कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। हमने इसमें बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, ये डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल में भी परफेक्टली वर्क करेगा। जैसे आप देख रहे हो कि मैं आपको इसे मोबाइल व्यू में दिखाता हूँ, तो ये देखिए मोबाइल व्यू में भी परफेक्टली ओपन हो रहा है। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बन गया है बूटस्ट्रैप का यूज़ करके। अब आप इसमें देख रहे हो कि जो हमारे पास इसमें बटन है क्रिएट आई फ्रेम का, हम इसे भी स्टाइलिश बना देते हैं। तो इसके लिए भी हम सिंपली बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। अब हमें गूगल में जाकर सर्च करना है, आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में सर्च करना है बूटस्ट्रैप स्टाइलिश बटन। जब आप सर्च करोगे तो आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी आपको इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप जैसे एक इनपुट फील्ड देख रहे हो, इन्होंने जो क्लास का यूज़ किया है यहाँ पे क्लास इक्वल टू बटन बटन प्राइमरी, आप इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए। और जो आपका कोड है यहाँ पे आपका जो बटन है बटन के अंदर आप इस कोड को पेस्ट कर लीजिए क्लास को। उस कोड को सेव करने के बाद आपको मैं इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। तो आप देखिए कि जो हमारा बटन है वो भी स्टाइलिश बन चुका है। तो आपने देखा कि हम कितना इजीली बूटस्ट्रैप का यूज़ करके अपने कोड को स्टाइलिश बना सकते हैं।